हेलो फ्रेंड, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे चैनल में सांस स्टार्डस में। और इवर आज की इस वीडियो में हम इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की स्टार एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णा मूर्ति की रिलीज तमाम मूवीज की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट आप वीवर्स के साथ शेयर करने जा रहे हैं। वीवर, साउथ इंडियन सिनेमा में सुचित्रा कृष्णा मूर्ति ने अपने करियर का आगाज 1991 में किया था, लेकिन बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में 1994 में रिलीज होने वाली शाहरुख खान स्टारर मूवी कभी हाँ कभी ना में उन्होंने डेब्यू किया था। अब तक इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में सुचित्रा कृष्णा मूर्ति ने कितनी मूवीज में काम किया है और उनकी कितनी मूवीज हिट, कितनी फ्लॉप और कितनी ब्लॉकबस्टर रही हैं, आज की इस वीडियो में यही डिटेल हम आप व्यूअर्स को प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए व्यूअर्स, वीडियो का आगाज करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो विवर, सुचित्रा कृष्णा मूर्ति ने अपनी करियर का आगाज मलयालम लैंग्वेज की मूवी किलकम पट्टी से किया था। फिल्म की लीड कास्ट में सुचित्रा कृष्णा मूर्ति का साथ दिया था जियाम रवि ने और ये फिल्म 19 दिसंबर 1991 को रिलीज हुई थी। मलयालम लैंग्वेज की एक कॉमेडी ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.4 स्टार दिए गए थे और बॉक्स ऑफिस पर एक एवरेज मूवी साबित हुई। बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के लिए सुचित्रा कृष्णा मूर्ति की डेब्यू मूवी का नाम है कभी हाँ कभी ना। इस फिल्म को डायरेक्ट किया था कुंदन शाह ने। फिल्म की लीड कास्ट में शाहरुख खान, सुचित्रा कृष्णा मूर्ति, दीपक तिजोरी, नसीरुद्दीन शाह शामिल थे। ये फिल्म 25 फरवरी 1994 को रिलीज हुई थी। कभी हाँ कभी ना एक रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 7.6 स्टार दिए गए थे। 1,40,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 3,88,00,000 के कलेक्शन किए और फिल्म के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में 5,67,00,000 और बॉक्स ऑफिस पर कभी हाँ कभी ना को एक सीमी हिट फिल्म करार दिया गया। आनंद बालानी के डायरेक्शन में बनने वाली मूवी जज्बात, फिल्म की लीड कास्ट में रोहित रॉय, सुचित्रा कृष्णा मूर्ति, रीमा लागू और महेश बैल शामिल थे। यह फिल्म 8 जुलाई 1994 को रिलीज हुई थी। जज्बात एक रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से जस्ट 2.1 स्टार दिए गए थे। 3 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 4,00,000 के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। कल्पना भारद्वाज की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी वादे इरादे, फिल्म की लीड कास्ट में आयुष कुमार, ममता कुलकर्णी और सुचित्रा कृष्णा मूर्ति शामिल थे। यह फिल्म 10 अक्टूबर 1994 को रिलीज हुई थी। वादे इरादे एक सोशल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 5 स्टार दिए गए थे। 35,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 5,00,000 के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। शिवा मानी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी विश्वा, फिल्म की लीड कास्ट में शिवा राजकुमार और सुचित्रा कृष्णा मूर्ति शामिल थे। ये फिल्म 20 अगस्त 1999 को रिलीज हुई। कन्नड़ लैंग्वेज की एक ड्रामा मूवी थी जो कि बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। जी फिलिप्स की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी माय वाइफ मर्डर, फिल्म की लीड कास्ट में अनिल कपूर, सुचित्रा कृष्णा मूर्ति और भवानी रानी शामिल थे। यह फिल्म 19 अगस्त 2005 को रिलीज हुई थी। माय वाइफ मर्डर एक ड्रामा थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.2 स्टार दिए गए थे। 4,75,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 2,07,00,000 के कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई। राम गोपाल वर्मा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी आग, फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, मोहनलाल, अजय देवगन, सुष्मिता सेन, सुचित्रा कृष्णा मूर्ति शामिल थी और यह फिल्म 31 अगस्त 2007 को रिलीज हुई थी। राम गोपाल वर्मा की आग एक एक्शन थ्रिल मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 1.4 स्टार दिए गए थे। 21 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 7,39,00,000 के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। मनीष गुप्ता की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी कर्मा और होली, फिल्म की लीड कास्ट में रणदीप हुडा, सुष्मिता सेन, सुरेश ओबराय और सुचित्रा कृष्णा मूर्ति शामिल थे। ये फिल्म 6 मार्च 2009 को रिलीज हुई थी। कर्मा और होली एक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 2.9 स्टार दिए गए। 10 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 17,00,000 के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। करण राजदान की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी मित्तल वर्सेस मित्तल, फिल्म की लीड कास्ट में रोहित रॉय, रीतू पूर्णा सिंह गुप्ता और सुचित्रा कृष्णा मूर्ति शामिल थे। ये फिल्म 26 मार्च 2010 को रिलीज हुई थी। मित्तल वर्सेस मित्तल एक रोमांटिक मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 4.1 स्टार दिए गए थे। 3,25,00,000 के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में सिर्फ 18,00,000 के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। राम गोपाल वर्मा की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी रन, फिल्म की लीड कास्ट में अमिताभ बच्चन, रितेश देशमुख, सुदीप, परेश रावल और सुचित्रा कृष्णा मूर्ति शामिल थे। ये फिल्म 29 जनवरी 2010 को रिलीज हुई। रन एक ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.9 स्टार दिए गए थे। 21 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 8,12,00,000 के कलेक्शन की और एक डिजास्टर मूवी साबित हुई। रूबी गरीवाल की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी रोमियो अकबर वाल्टर, फिल्म की लीड कास्ट में जॉन अब्राहम, मौनी रॉय, जैकी श्रॉफ, सिकंदर खेर और सुचित्रा कृष्णा मूर्ति शामिल थे। ये फिल्म 5 अप्रैल 2019 को रिलीज हुई थी। रोमियो अकबर वाल्टर एक एक्शन थ्रिल ड्रामा मूवी थी जिसे IMDb 10 में से 6.6 स्टार दिए गए थे। 48 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने इंडिया में 38,88,00,000 के कलेक्शन की और एक फ्लॉप फिल्म साबित हुई।
आरिफ खान की डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज नेवर किस योर बेस्ट फ्रेंड। इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में नकुल मेहता, आनिया सिंह और सुचित्रा कृष्णा मूर्ति शामिल थे। इस वेब सीरीज के 2 सीजन में 18 एपिसोड अब तक दिखाए जा चुके हैं। Zee5 के थ्रू इसे जनवरी 2020 में रिलीज किया गया था और ये एक रोमांटिक वेब सीरीज थी जिसे IMDb 10 में से 7.7 स्टार दिए गए। शिफाली भूषण की डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज गिल्टी माइंड। इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में श्रिया बिलगोनकर, वरुण मेहता और सुचित्रा कृष्णा मूर्ति शामिल थे। इसका एक सीजन आ चुका है, 10 एपिसोड हुए हैं इसके और 22 अप्रैल 2022 को Amazon प्राइम वीडियो के थ्रू इस वेब सीरीज को दिखाया गया था। ये एक ड्रामा वेब सीरीज थी जिसके IMDb 10 में से 7.4 स्टार दिए गए थे। हैप्पी मोंगिया की डायरेक्शन में बनने वाली वेब सीरीज ब्रेव हार्ट्स। इस वेब सीरीज की लीड कास्ट में ओमकर कुलकर्णी, शक्ति कपूर और सुचित्रा कृष्णा मूर्ति शामिल थे। ये एक ड्रामा वेब सीरीज है जिसे IMDb 10 में से 9 स्टार दिए गए हैं। 4 जून 2022 को इस वेब सीरीज की YouTube के जरिए ऑनलाइन स्ट्रीमिंग की गई। प्रशांत जोहरी की डायरेक्शन में बनने वाली मूवी ऑड कपल। इस मूवी की लीड कास्ट में देवेंदु शर्मा, सुचित्रा कृष्णमूर्ति, विजय राज शामिल थे और इस मूवी को 2 अगस्त 2022 को Amazon प्राइम वीडियो के जरिए डिजिटली OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाया गया था। ऑड कपल एक ड्रामा मूवी है जिसे IMDb 10 में से 4.9 स्टार दिए गए और यही एज एन एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति की अब तक की रिलीज आखिरी मूवी या वेब सीरीज है। सुचित्रा कृष्णमूर्ति की अपकमिंग मूवी का नाम है मार्गन द क्लोज फाइल। इस फिल्म की लीड कास्ट में जीना तमान, पल्लवी जोशी और सुचित्रा कृष्णमूर्ति शामिल होंगे और यह फिल्म आपको 2022-2023 में देखने को मिल सकेगी। तो व्यूअर्स, सुचित्रा कृष्णमूर्ति अपने कम्प्लीट करियर में 11 मूवीज और 4 वेब सीरीज का हिस्सा रही हैं और इनमें से उनकी एक मूवी सेमी हिट, 2 मूवीज एवरेज, 2 फ्लॉप और 6 मूवीज इनकी डिजास्टर रही हैं। 4 वेब सीरीज इनके डिजिटली OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई गई हैं। तो इस हिसाब से सुचित्रा कृष्णमूर्ति का बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सक्सेस रेशियो बनता है 27.27%। तो व्यूअर, ये थी सुचित्रा कृष्णमूर्ति की रिलीज तमाम मूवीज की डिटेल। तो एज एन एक्ट्रेस सुचित्रा कृष्णमूर्ति की रिलीज इन तमाम मूवीज में आपकी फेवरेट कौन कौन सी मूवीज हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी फेवरेट मूवीज के नाम मेंशन करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड, था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि हमारी आज की कोशिश आप व्यूअर्स को पसंद आई होगी। हमारी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल एहसास स्टारर्स को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा और साथ ही इस बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। हमारा आज का वीडियो देखने का आप तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया।